नमस्कार, आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12। बच्चों, आज हम लोग समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्यक्ति और समाज में संबंध। इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, मानव एक सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी है, इसलिए व्यक्ति और समाज के मध्य अनेक दृष्टिकोणों से घनिष्ठ संबंधों को देखा जा सकता है। जैसा कि हम पिछले समाजीकरण के अध्याय में पढ़ चुके हैं कि मानव जन्म के बाद संस्कृति को सीखता है और समाज का सदस्य बनता है। पार्सन्स ने भी लिखा है कि जब संस्कृति का आंतरिकरण होता है तो व्यक्तित्व व्यवस्था का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जब संस्कृति का संस्थापन होता है तब सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। इस प्रकार से व्यक्ति और समाज में घनिष्ठ संबंध संस्कृति के माध्यम से स्थापित होते हैं। मानव ने संस्कृति का निर्माण करके अपने समाज को सामाजिक सांस्कृतिक समाज बनाया है। व्यक्ति समाज में रहकर धीरे धीरे सामाजिक प्राणी बनता है। व्यक्ति भाषा और प्रतीकों के माध्यम से संस्कृति को आत्मसात करता है तथा सामाजिक प्राणी बनाता है। इसी प्रकार से अनेक व्यक्ति परस्पर क्रिया करके समाज का निर्माण करते हैं। बच्चों, यहाँ हम व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन निम्न प्रकार से करेंगे। पहला बिंदु है व्यक्ति की समाज पर निर्भरता। दूसरा बिंदु है समाज की व्यक्ति पर निर्भरता। और तीसरा बिंदु है व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता। तो बच्चों, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे व्यक्ति की समाज पर निर्भरता। बच्चों, मानव अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक कमजोर प्राणी है। वह अपने पालन पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए माता पिता और अन्य परिजनों पर आश्रित होता है। भोजन, वस्त्र और आवास के लिए वह अन्यों पर आश्रित रहता है। उसका शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आदि का विकास समाज में रहकर ही संभव होता है। अगर व्यक्ति जन्म के बाद परिवार और समाज में नहीं रह पाता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास भी नहीं हो पाता है। समाजशास्त्रियों ने कुछ ऐसे बालकों का अध्ययन किया है जो शिशु अवस्था में किन्हीं कारणों से अलग थलग जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य थे और उनका विकास नहीं हो पाया, वो पशुवत ही रहे। ऐसे बालकों के उदाहरण निम्न प्रकार से हैं। तो बच्चों, कुछ बालकों के बारे में उदाहरण सहित हम आपको उनके जीवन के बारे में बताएंगे। बच्चों, पृथक या एकाकी बालकों के अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहला नाम आता है अन्ना। इसके अंतर्गत डेविस महोदय ने इस लड़की का अध्ययन किया है। इस लड़की का पता सन 1938 में अमेरिका में लगा। यह अवैध संतान थी और अवैध संतान होने के कारण इसके दादा ने इसे प्रारंभ के 6 वर्षों तक एक पृथक कमरे में बंद रखा। इस काल में उसे मानव संपर्क में नहीं आने दिया। उसे
कुछ भी नहीं सिखाया और जब इस लड़की का पता चला तो अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि वह चल नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, वह पशु तुल्य है, उसमें मानव समाज के बच्चों जैसे कोई लक्षण नहीं है। उसे अनेक बातें सिखाने का प्रयास किया गया और 4.5 वर्ष बाद मृत्यु के समय तक उसने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अच्छी प्रगति कर ली थी। कुछ रंगों को पहचानने लगी थी, बात कर सकती थी, शब्दों को दोहरा सकती थी, दांत साफ कर लेती थी, हाथ धो लेती थी। उसका विकास 2-3 साल के औसत बच्चे जैसा हो पाया था। यह उदाहरण यह स्पष्ट करता है बच्चों कि सामाजिक संपर्क के अभाव में बालक का विकास नहीं हो पाता है। दूसरा उदाहरण है कमला और अमला बालिकाएं, ये बच्चों के नाम है। मेकाइवर और पेज ने यह स्पष्ट करने के लिए कि व्यक्ति अपने विकास के लिए समाज का 2 बालिकाओं का उल्लेख किया है। ये दोनों हिंदू बालिकाएं 1920 में भेड़िये की मांद में मिली। उस समय इनकी आयु 8 वर्ष और 2 वर्ष थी। छोटी बालिका अमला की मृत्यु मिलने के कुछ महीनों बाद हो गई। बड़ी बालिका कमला 1929 तक जीवित रही। वह 4 हाथ पैरों से चौपाए जानवरों की तरह से चलती थी। वह भाषा नहीं जानती थी, भेड़ियों की तरह से गुर्राती थी। वह मानवों से अन्य बेपालतू जानवरों की तरह से डरती थी। जब वह मिली थी उस समय उसमें मनुष्य जैसा व्यवहार के लक्षण नहीं थे। उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रशिक्षित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु के समय तक उसने मनुष्यों की तरह से खाना, कपड़े पहनना और कुछ बोलना सीख लिया था। और जब वह मिली थी उस समय उसमें मानवीय स्वचेतना नहीं थी। मानव समाज के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप उसमें व्यक्तित्व के लक्षण उभरने लगे थे। इस प्रकार से बच्चों उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए सामाजिक वातावरण अत्यावश्यक है। अगर शिशु को परिवार एवं समाज से पृथक रखा जाएगा तो उसके व्यक्तित्व का विकास कभी नहीं होगा। प्रारंभ में शिशु अपनी आवश्यकताओं, परेशानियों और मनोभावों को मात्र रोकर या मुस्कुराकर प्रकट करता है और धीरे धीरे वह इशारों एवं प्रतीकों को समझने और सीखने लगता है। बाद में वाक्य बनाने लगता है, वह अपने संबंधियों का अनुकरण करने लगता है। धीरे धीरे वह खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना चलना आदि सीखता है। इस प्रकार से समाज में रहकर उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक वातावरण के अभाव में वह सब कुछ नहीं सीख पाएगा जो उसे समाज में जीवन यापन करने के लिए सीखना आवश्यक होता है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने समाज पर निर्भर होता है। समाज के अभाव में वह पशुतुल्य रह जाता है। व्यक्ति अपने अस्तित्व, व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मानसिक सुरक्षा, स्वस्थ, मनोरंजन, प्राथमिक और द्वितीयक आवश्यकताओं की पूर्ति आदि के लिए समाज पर आश्रित होता है। दूसरा बिंदु है समाज की व्यक्ति पर निर्भरता। बच्चों, मानव समाज की व्यक्ति पर निर्भरता का अध्ययन एवं व्याख्या अनेक दृष्टिकोणों, आधारों एवं पक्षों से हम कर सकते हैं। बच्चों, मानव समाज का शाब्दिक अर्थ है मानव का समाज, अर्थात वह समाज जो मानव का है। इसलिए मानव के अभाव में मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। समाजशास्त्र दृष्टिकोण से समाज का अर्थ है
सामाजिक संबंधों का जाल और सामाजिक संबंधों के जाल का निर्माण, दो या दो से अधिक सदस्यों में परस्पर प्रतिक्रिया, अंतःक्रिया, सामाजिक संबंध, संगठनात्मक, विघटनात्मक, सामाजिक प्रक्रियाओं आदि के द्वारा होता है। मानव समाज के सदस्य होते हैं व्यक्ति, और व्यक्तियों के बीच में सामाजिक क्रियाएं ही सामाजिक संबंधों का जाल अर्थात मानव समाज का निर्माण करती है। इसलिए व्यक्तियों तथा उनके मध्य सामाजिक संबंधों के जाल के अभाव में मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव समाज या संबंधों के जाल मानवों पर ही आधारित होते हैं। इस प्रकार बच्चों, अगर हम मेकाइवर और पेज के द्वारा दी गई समाज की परिभाषा का विश्लेषण करें तो उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि मानव समाज व्यक्तियों पर आधारित होता है। परिभाषा इस प्रकार है, समाज रीतियों तथा कार्य प्रणालियों की सत्ता तथा पारस्परिक सहयोग की अनेक समूहों तथा विभाजनों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। अब बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ यह उठता है कि ये रीतियाँ, कार्य प्रणालियाँ, सत्ता, पारस्परिक सहयोग, समूहों तथा विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था का निर्माता कौन है? उत्तर है मानव। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि यह व्यवस्था किसके लिए है? इसका उत्तर है बच्चों, समाज के सदस्यों के लिए। समाज के सदस्य हैं मानव, इसलिए निष्कर्ष यही निकलता है कि समाज व्यक्तियों के लिए है, व्यक्तियों के द्वारा निर्मित और व्यक्तियों का है। अतः बच्चों, समाज एक जटिल व्यवस्था है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा बदलता रहता है, लेकिन समाज की इन विशेषताओं का आधार व्यक्ति है। इसको निरंतर परिवर्तित करने वाले समाज के सदस्य भी व्यक्ति हैं। इस जटिल व्यवस्था और संबंधों के जाल के निर्माता इसके सदस्य व्यक्ति हैं, जो कि निरंतर परस्पर क्रियाएं करते रहते हैं और उनकी क्रियाएं निरंतर प्रक्रियाओं के रूप में गतिशील और परिवर्तित होती रहती है। बच्चों, हम समाज की विशेषताओं की कल्पना मानव के अभाव में नहीं कर सकते हैं। समाज की विशेषताओं का निर्माता और वाहक मानव है। समाज मानव का है, मानव के लिए है और मानव के द्वारा है। अतः इस समाज के अस्तित्व की कल्पना मानव के अभाव में कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों, यह समाज की व्यक्ति पर निर्भरता कहलाती है। तीसरा बिंदु है व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता। बच्चों, अब तक हमने अध्ययन की सुविधा के लिए क्रमशः व्यक्ति की समाज पर निर्भरता, दूसरा समाज की व्यक्ति पर निर्भरता का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। लेकिन बच्चों, वास्तविकता यह है कि व्यक्ति और समाज पारस्परिक रूप से दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये आपस में एक दूसरे से सगुंपित है तथा अन्योन्याश्रित है। एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। हमने देखा है कि व्यक्तियों के अभाव में समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से व्यक्ति के भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था समाज के बिना नहीं हो सकती है। बच्चों, समाज व्यक्ति के अस्तित्व के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्यक्तियों का समूह। समाज के निर्माण, संगठन, एकता,
संतुलन और निरंतरता के लिए आवश्यक है। व्यक्ति समाज की इकाई है, तो समाज इन व्यक्ति रूपी इकाइयों का पूर्ण रूप है। अनेक व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से सामाजिक क्रियाएं करते हैं, सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। वही समाज उनके परिस्थिति और भूमिकाओं को निश्चित, निर्देशित और संचालित करता है। व्यक्तियों की परिस्थितियों को समाज निश्चित करके सामाजिक श्रेणियां और उनका उच्चता और निम्नता के आधार पर स्तरीकरण करके सामाजिक संरचना का निर्माण भी करता है। बच्चों, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए साधनों की खोज और आविष्कार करता है। वही समाज उन साधनों को मान्यता प्रदान करके जनरीति, प्रथा, रूढ़ियों और संस्था का स्वरूप प्रदान करता है। पिछले अध्याय में बच्चों हमने आपको संस्कृति के बारे में बताया था कि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो कि संस्कृति के बारे में जान सका और संस्कृति का विकास भी कर सका है। यहाँ पर बच्चों समाज जो है व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सांस्कृतिक लक्षण और संस्थागत साधनों के विकल्प प्रदान करता है। व्यक्ति समाज में रहकर ही अपना अस्तित्व बनाए रख पाता है और व्यक्ति अपनी तीन मौलिक आवश्यकताएं अपने अस्तित्व को बनाए रखने, अपने आप को व्यक्त करने और लैंगिक इच्छा की पूर्ति के लिए समाज में रहकर ही सुचारू रूप से पूर्ण करता है। बच्चों, समाज से अलग होकर वह इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है और अगर निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति और समाज परस्पर अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित का मतलब बच्चों यहाँ पर है एक दूसरे पर आधारित या एक दूसरे पर आश्रित, परस्पर निर्भर हैं। बच्चों, एक के अभाव में दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और समाज की निरंतरता के लिए यह भी आवश्यक है कि सामाजिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहे। इस हस्तांतरण का कार्य मानव अपनी भाषा सीखने की क्षमता और बुद्धि के द्वारा करता है। अतः समाज अपने विरासत को बनाए रखने एवं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने के लिए मानव पर आधारित रहता है। इस प्रकार बच्चों उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि समाज अपने निर्माण, संगठन, संतुलन, एकीकरण और निरंतरता के लिए मानव पर निर्भर रहता है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चों, आज हमने हमारा जो अध्याय हमने प्रारंभ किया था व्यक्ति और समाज में संबंध, इन तीन महत्वपूर्ण बातों पर टिका होता है तभी समाज में व्यक्ति और समाज में संबंध स्थापित हो जाता है। आज का यह अध्याय बच्चों आपको जरूर समझ में आया होगा क्योंकि हमने इसमें कुछ बच्चों के उदाहरण के द्वारा आप लोगों को उनके जीवन के बारे में बताया। आप सभी ने इसको सुना, सभी को एक बार फिर धन्यवाद।